सरकार की तरफ से देवरांडे योजना लागू की गई है, माफ कीजिएगा चालू की गई है, जिसको लेकर भिंड जिला पंचायत सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले में देवरांडे योजना अंतर्गत लगाए जाने वाले औषधीय पौधों का रोपण कर किसानों की निजी जमीन पर विभिन्न विभागों से समन्वय कराया जाएगा, जिसके लिए 10 से 40 कृषकों का एक समूह तैयार किया जाएगा, जो कि औषधियों पौधे लगाने के इच्छुक हों ऐसे किसानों के चयन के लिए CEO जनपदों के माध्यम से और NRLM के समूहों के माध्यम से किसान चयन का काम किया जाएगा। किसान जनपदों से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वही बैठक में मुख्य रूप से परियोजना अधिकारी मनरेगा प्रमोद सिंह तोमर, जिला आयुष अधिकारी नीलम कुशवा, जिला संयोजक ट्राइबल विभाग संजय गुप्ता, अन्य विभागों के अधिकारी के साथ CEO जनपद उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि 8 से 10 विभागों के समन्वय से मिलकर चलाई जा रही है। इस योजना अंतर्गत गांव में ऐसे किसानों का चयन किया जाएगा जो अपनी निजी भूमि पर औषधीय पौधे लगाने के इच्छुक हैं। औषधीय पौधे जैसे कि तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला और भी जो पौधे जो कि औषधि के रूप में दवाइयों में प्रयोग होते हैं, ऐसे पौधों को लगाए जाने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवरांडे योजना शुरू की गई।